नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार। अगर आप Google AdSense के लिए अप्लाई किए हैं, आपके पास ब्लॉग वेबसाइट है, तो कुछ इस तरह से एरर आ रहे हैं, यू नीड टू फिक्स समथिंग टू यूज AdSense। तो ये कैसे फिक्स करेंगे और ये क्यों आते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो में कंप्लीट। तो अगर आप Google AdSense अकाउंट का अप्रूवल लेना चाहते हैं और जानना चाहते हैं अप्लाई करने से पहले क्या क्या किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। और इस वीडियो को देखने के बाद से आपका AdSense अकाउंट मिल जाएगा, आप अपना खुद ही रिव्यू कर सकते हैं कि मेरी वेबसाइट में क्या कमी है और इसको सुधारने के बाद से कैसे हम AdSense के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जब AdSense के लिए अप्लाई किए थे 10 दिन पहले, आप देख सकते हैं, तो इस तरह से मैसेज आया है। और इनकी ब्लॉग में आपको दिखाना चाहता हूँ, सबसे पहले इनकी ब्लॉग में जो कमी है, ये पोस्ट जो है कि डेली अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए पोस्ट काफ़ी दिनों के बाद से अपडेट कर रहे हैं, आप खुद ही डेट यहाँ पर देख सकते हैं। तो व्यू भी कम आ रहे हैं, आप देखिए 1-1 व्यू आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पोस्ट लिखने से पहले आपको अपनी वेबसाइट का डिज़ाइन करना होगा। अगर आप देखिए बता रहा हूँ 20 से 25 दिन वेबसाइट बनाए हुए हो गया है और डेली एक से दो पोस्ट, आपको डेली एक से दो पोस्ट लिखना ही है, अपडेट करना ही है। और लिखने के बाद से उसको जितना भी सोशल लिंक है, गूगल प्लस या फिर फेसबुक, हर जगह उसको शेयर कीजिए। शेयर करने के बाद से आपका व्यू मिलना स्टार्ट हो जाएगा। स्टेटस में आप देखिए ये व्यू आ रहे हैं, तो व्यू बिल्कुल कम है। और अगर आपका डेली 100 से ज़्यादा व्यू आ रहे हैं, यहाँ पे पेज व्यू 100 से ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपका मिल जाएगा। और मैं ऐसा मानता हूँ ऑर्गेनिक 100 आएंगे तो आपको मिल जाएगा किए हैं। और जो जो कमियां थी मैं इनकी वेबसाइट में उसको पूरा किया हूं और फिर अभी फिक्स करेंगे। मैं सोचा कि आपको बता दूं क्या क्या कमियां थी, जिससे कि देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पे जो मेनू बार थे इनके में, जैसे कि कस्टम जो ब्लॉगर का थीम आता है, कुछ लोग ऐसे ही अपलोड कर देते हैं, मोबाइल से कस्टमाइज नहीं कर पाते हैं, तो ये ऐसे ही थीम था। तो यहाँ पर मेनू बार बिल्कुल, यहाँ पर कुछ मेनू बार में दिक्कतें थी, जैसे कि जो थीम का बाय डिफ़ॉल्ट होता है वही था। उसके बाद से थीम बिल्कुल कस्टमाइजेशन नहीं थी, बस पोस्ट यहाँ पे दिख रहे थे, बाकी कुछ नहीं था। साइड बार में भी इधर उधर का पेज दिखाई दे रहा था। उसके बाद से जो फूटर एरिया है, आप देख सकते हैं फूटर एरिया में, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नहीं था। आप इसको कस्टमाइज़ कीजिए, फूटर एरिया को, जो जो काम की चीज़ें नहीं है उसको रिमूव कीजिए। उसके बाद से अबाउट कंटेंट और प्राइवेसी पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन, ये पेज हमने बनाए हैं और ये हमसे कॉन्टेक्ट किए, ये पेज बनाए। उसके बाद से ये प्रीमियम थीम हम लगाएं, ये फ्री का कोई थीम यूज़ कर रहे थे तो यहाँ पे प्रीमियम थीम हम लगाएं। आप भी फ्री का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको अच्छा यूज करना होगा, यूनिक, जो AdSense सपोर्ट करे और AdSense फ्रेंडली हो, जिससे कि आपका गूगल AdSense अकाउंट सक्सेसफुली मिल जाएगा। तो ये एक प्रीमियम थीम है और लोगो डिजाइन की है। उसके बाद से गूगल AdSense के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर लगता है कि आपकी वेबसाइट कुछ इस तरह से दिख रही है और डेली 100 से ज़्यादा पोस्ट व्यू हो रहे हैं, यानी टोटल व्यू 100 से ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप Google AdSense के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये लुक आप देख सकते हैं, अगर लगता है कि हाँ यूज़र को देखने में अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल अप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका Google AdSense अकाउंट मिल जाएगा। अगर आपको पता नहीं कैसे अप्लाई किए जाते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, उसको फॉलो कीजिए। फॉलो करने के बाद से आपको सिंपल है क्या करना होगा, अगर आपके साथ भी ऐसा आ रहा है फिक्स करने के लिए, तो आई कन्फर्म पर क्लिक कीजिए। और उसके बाद से अगर आप चाहते हैं कि दूसरी वेबसाइट है आपकी, तो यहाँ पर क्लिक कीजिए और अपनी वेबसाइट का URL डालिए, ऐड कीजिए और कोड लगाइए, आई कन्फर्म पर क्लिक करना है और यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। और ये दोबारा रिव्यू में जाएगा और फिर आपको क्या करना होगा, ये देखिए कोड मिला, इसको कॉपी कीजिए और ये दोबारा रिव्यू में जाएगा। फिर आपका Google AdSense की तरफ से जो मेल आएगा, फिर उसको देखना है क्या कमी है या फिर सक्सेसफुली अप्रूवल हो गया या नहीं हो गया। ये देखिए मोबाइल फ्रेंडली है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एडिट HTML में जाना है और हेडर के नीचे, हेड के नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है और आपका Google AdSense अकाउंट मिल जाएगा। अगर आप इस यहाँ पे इस वेबसाइट में थोड़ी सी मुझे कमी आ रही है, जो लग रहा है इसमें पेज व्यू कम है, यानी कि पोस्ट पे व्यू नहीं आ रहे हैं। एक तो हिंदी में लिखा है, इंग्लिश रहता तो मिल जाता है, हिंदी में है तो आपको पेज व्यू भी बढ़ाने हैं, मतलब कि ट्रैफिक भी लाने हैं, ओरिजिनल ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पे। यहाँ पे AdSense के कोड पेस्ट करने के बाद से आपको यहाँ पे डन कर देना है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्लिक करके और डन कर देना है। अब ये रिव्यू में चला गया है और यहाँ पे बता रहा है कुछ देर बाद आपको जो है कि मेल भी आ जाएगा आपके ईमेल आईडी में, 2 से 3 दिन आपको वेट करना होगा और मेल आ जाएगा। तो इस तरह से फिक्स Google AdSense अप्लाई करने से पहले ये सब बातें ध्यान में रखिए, आपको पेज वगैरह और डिजाइनिंग अच्छा करना है, लुक अच्छा देना है, तो आपका Google AdSense अकाउंट मिल जाएगा। अगर फिर भी नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।